समय बसपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद रहे माननीय सतीश चंद मिश्रा जी को जोरदार ताली से स्वागत करिए। सतीश चंद मिश्रा जी का जो कन्नौज के रिश्तेदार भी हैं, इनका जोरदार रिश्तेदार का स्वागत करिए। कन्नौज के रिश्ते भाइयों, आपको शायद ये अच्छी तरीके से मालूम है क्योंकि आपके बीच में हम इसके पहले कई बार आ चुके हैं कि कन्नौज से हमारा रिश्ता, आप कह रहे रिश्तेदार हैं कन्नौज के, हम कन्नौज के रिश्तेदार नहीं, कन्नौज के दामाद हैं। और हमारी धर्म पत्नी अभी आपके सामने अभी आकर के आपसे गुजारिश करके कन्नौज की बेटी के रूप में आपसे वोट मांग करके आपसे अभी उन्होंने अनुरोध किया था कि आप उन कन्नौज की बेटी हैं तो आपसे अनुरोध कर रही थी कि आप उनके कहने से कन्नौज में अब की बार डिंपल यादव जी जो हमेशा से जीतती आ रही हैं उनको सिर्फ जिताने का काम नहीं करेंगे बल्कि इतनी बहुमत से जिताएंगे कि एक मिसाल बना के छोड़िएगा पूरे देश में कि इतनी बहुमत से कोई जीता नहीं है। और तब तो ये मालूम पड़ेगा कि कन्नौज जहां से हम लगभग 40 वर्ष पूर्व आपने हमको सबसे कीमती चीज दी थी, सबसे कीमती हमें आपने ऐसा तोहफा दिया था 40 वर्ष पूर्व जो आज तक हमारे घर की शोभा बनी हुई है और हमारे साथ में है, 40 वर्ष पूर्व आपने हमको दिया था। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब हम आपके बीच में आए थे, जब बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो उस समय जब हम आपके बीच में आए थे आप लोगों ने हमको हमसे मिलने आए थे और मिल करके आपने कहा था कि कन्नौज की कुछ समस्याएं हैं उसको दूर करना चाहते हैं। और मुझे याद है कि आपने कहा कि यहाँ की अदालत कोर्ट नहीं है, आपने कहा यहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, यहाँ पर पानी की लाइन नहीं है, लेकिन खुशी की बात है कि आपको उसके बाद सीवर लाइन भी मिल गई, पानी की लाइन भी मिल गई और आपको नई अदालत भी मिल गई, बस का अड्डा भी उस सरकार के दौरान में मिल गया था। लेकिन इन सबसे बात पूरी नहीं बनती है। बात कब बनी पूरी? बात तब बनी जबकि श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा मैं उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं अपनी तरफ से, अपने ससुराल वालों की तरफ से जो आप सब यहां मौजूद हैं, कि आपने हमारे ससुराल आने का रास्ता इतना छोटा कर दिया कि अब एक घंटे में चल करके लखनऊ से हम अपने घर आ सकते हैं और यहां पर पहुंच सकते हैं। पहले यहां पर आने के लिए 6 घंटे लगते थे, कानपुर से होते हुए आते थे, लेकिन आप चाहते तो जो लखनऊ से आपने एक्सप्रेसवे बनाई थी आप सीधा सफाई लेकर के और मैनपुरी लेकर के आगरा ले जा सकते थे, लेकिन आपने सबसे पहले कन्नौज को चुना और कन्नौज में आपने इस एक्सप्रेसवे को पहुंचाने का काम किया। इससे बड़ा काम नहीं हो सकता था। जब कन्नौज में एक्सप्रेसवे आ गई तो कन्नौज आप जानते हैं यह भारतवर्ष का कैपिटल रहा है। राजा हर्ष के जमाने में ये पूरे देश का कैपिटल था और उस कैपिटल को आज सही माने में कैपिटल बनाने के लिए आज अखिलेश यादव जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि उनका नौज में जो चीज कमी रह गई है वो भी पूरी का की जा सके। अब आज लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में अखिलेश यादव जी इतने पॉपुलर हैं आपके बीच में कि आपने ये अनुरोध किया कि वो छिप रहे थे, वो दिख नहीं रहे थे गुब्बारों की वजह से, तो गुब्बारे आपने हटवा के अखिलेश यादव जी अब आपके सामने रूबरू हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अखिलेश यादव जी को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक गठबंधन अगर हुआ है तो ये गठबंधन इस पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस पूरे देश की दिशा बदलने वाला है, इस देश को एक नया आयाम देने वाला है और इस देश की दिशा बदल करके इस देश के जो मजलूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, आज उनकी सही माने में अपनी सरकार देश में बनने जा रही है और उसमें कन्नौज का अपना योगदान होगा जिस योगदान को कोई भुला नहीं पाएगा।
और इसीलिए आप जानते हैं कि जो कुछ भी कमी अगर रह गई, ये इत्र का शहर है, यहाँ पर इत्र जो है वो लोगों के ऊपर आप गुलाब जल झड़क करके, हम लोग अभी आ रहे थे, हम लोग अंदर बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, लेकिन पूरे रास्ते में कन्नौज के लोग गुलाब जल से छिड़काव कर रहे थे। ये दिखाता है आप किस तरीके से लोग जो आपके आते हैं उनका स्वागत करते हैं। और इस इत्र का जो ये प्रदेश है, जो देश में इत्र आप बनाते हैं, ये खाली कन्नौज में या उत्तर प्रदेश में या देश में ही नहीं इसका नाम है, बल्कि विदेशों में भी जहां भी हम लोग गए, अगर पेरिस में भी गए तो वहां पर उन्होंने एक बोतल निकाल के दिया, कहा कि ये कन्नौज का जो इत्र है, ये कन्नौज का इत्र आपको दे रहे हैं। और इसलिए आज देश में आपको हाथ मजबूत करने की जरूरत है। किसकी जरूरत है हाथ मजबूत करने की? बहन मायावती जी, अखिलेश यादव जी, इन लोगों की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जो अनूठा एक संगम हुआ है, जिस तरीके से आज दोनों लोग मिलकर के, दोनों पार्टियां मिलकर के कंधे से कंधा लगा करके, खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में और अन्य प्रदेशों में एक साथ आज इकट्ठा होकर के मौजूद हैं, उन्होंने अपनी छाप छोड़ने का काम पूरे देश में करने का काम किया है। और ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश जो है वो देश को दिशा दिखाता है। और अब की बार उत्तर प्रदेश में कन्नौज एक ऐसा स्थान है जिसमें आप जो इस देश का कैपिटल हुआ करता था, तो इसमें आपको पूरी उम्मीद हमको ये है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी का एक एक व्यक्ति जो निर्देश है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के, बहन मायावती जी के, कि उत्तर प्रदेश में जहां से भी समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहां पर चुनाव खुद लड़ रहा है, वो इस तरीके से चुनाव के मैदान में मदद करने का काम करेगा, जिससे कि 80 सीटों पे अगर हमारा गठबंधन है तो 80 की 80 सीटें इस गठबंधन को मिलनी चाहिए। इस दिशा निर्देश के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और यही आप जानते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का पूरे देश में आज उनके नींद उड़ गई है। उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी सीट वो जीत सकते हैं। मीडिया के लोगों से वो जब बात करिए तो वो कहते हैं कि आप बता दीजिए कौन सी सीट में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हम उनसे पूछते हैं कि आप ही बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दें कि अगर कौन सी सीट, एक सीट गिना दें जिसमें कि वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं और वो जीत जाएंगे। कोशिश तो हर जगह कर रहे हैं, लेकिन अब की बार आपको हम बता सकते हैं कि कन्नौज छोड़िए, लखनऊ छोड़िए, गाजियाबाद छोड़िए, नोएडा छोड़िए, इन सब में तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन कानपुर भी जीत रहे हैं, बनारस भी जीत रहे हैं, कन्नौज तो जीत ही रहे हैं, लखनऊ भी जीत रहे हैं। और जब लखनऊ, कानपुर और वाराणसी से जीतेंगे तो आपको मालूम है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार आज जिस तरीके से आज उसने अपना गरीबों को परेशान करने का काम किया है, विरोधियों को परेशान करने का काम किया है, सब संस्थाओं को बर्बाद करने का काम किया है, इनके गिने चुने दिन रह गए हैं। और इन गिने चुने दिनों में सिर्फ 23 मई तक के दिन बचे हैं, 23 मई को इनकी विदाई है और 23 मई को यहाँ से विदा हो जाएंगे इस देश से। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं जानता हूँ कि आज आपके बीच में आप इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से ये दिन आए और ये 1.5 महीना बीते और इस 1.5 महीने के बीतने के बाद आप इन लोगों को बाहर जाते हुए देखें, लेकिन आप ये मान कर के चलिए कि अब 1.5 महीने के इंतजार की बात नहीं है, ये बाहर हो गए हैं, बस खाली अनाउंसमेंट होने की जरूरत है और इसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की बात रह गई है, वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से विदा हो चुकी है। और अब मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आपके कन्नौज की जो सांसद हैं, जो आपकी प्रिय सांसद हैं, जिनको आपने दोबारा सांसद बनाने का बीड़ा उठाया है, वो भी आपके बीच में पहुंच गई हैं, और इसलिए मैं चाहूँगा कि उनके आने के लिए जब वो मंच पे आए तो आप ज़रूर उनका स्वागत करिए। और इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। हेलो।